अब इलेक्शन का माहौल इस प्रकार का है कि आम जनमानस ने मन बनाया है मोदी जी को वोट देने का, चाहे उनका किसी राजनीति दल से ताल्लुक हो कि ना हो, यह आम मानस की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार से हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को इस बात की जागृति पैदा की जाए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके दूसरे लोग लोगों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका अपना मौकफ क्या है, इनका अपना स्टैंड क्या है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने 370 अनुच्छेद को हटाया, जो जवाहरलाल नेहरू कह गए थे कि ये अस्थाई है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा ना सकी, उतनी हिम्मत उतनी जरूरत उतना साहस ना कर सकी, मोदी जी ने हटाया। अब ये बताएं कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके सहयोगी कि क्या ये अगर कभी खुदा ना खास्ता ये फिर से इख्तदार में आए, जो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये 370 को हटाएंगे? ये 370 के पक्ष में है कि नहीं? क्योंकि इनका साथ दे रही है PDP, जो तो सरेआम कह रही है कि अगर हमारा बस चले तो 370 को पुनः लगाएंगे। इनका साथ दे रही है नेशनल कांग्रेस, तो ये किसके साथ है? ये हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं? ये एक ही मुद्दे पर दो दो स्टैंड लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि खुद हमने पांच इन्होंने पार्टियां बदल ली, जैसे खुद ये भूल गए कि कल किस पार्टी में थे, ये समझते हैं कि लोग भी भूल गए कि कल क्या हुआ था। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोगों को, आवाम को, भारत की जनता को इतना बेअकल ना समझें, उनकी समझ को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारी शालीनता को बुजदिली ना समझें, हमारी शराफत को मूर्खता ना समझें। अगर हमारे आवाम को गुमराह करने का प्रयास होगा तो हमारा ये धर्म है, राजनीतिक धर्म है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर ये राजनीति में तो हम भी राजनीति में हैं, हम अपने हमें आवाम ने प्रेम और स्नेह और विश्वास के साथ चुन करके जिम्मेवारी दी है, और हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि हम उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के हाथों से गुमराह होने से रोके, और हम ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव अब अपनी चरम सीमा पर आ रहा है, हम बेखौफ होकर के इस चुनाव में शामिल होंगे, मतदान में शामिल होंगे। ये इस बार हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला स्वयं अपने साथ है। जो कांग्रेस के लीडर यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, शायद वो नहीं जानते कि उनके घर की माताएं बहनें भी मोदी जी को वोट देने वाली हैं।